इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में स्थित श्री गणेश बुजुर्ग आश्रम महिला उत्कर्ष संस्थान से 10 बांग्लादेशी युवतियां अब तक फरार हो चुकी हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि युवतियां 2 महीने के अंतराल में 3-3 के गुट में अलग अलग तरीके से अपना कर युवतियां भाग खड़ी हुई है। दरअसल साल 2020 में एमडी ड्रग्स के मकड़ जाल पर विजयनगर पुलिस ने सिकंजा कसा था और इसी मामले की जांच के दौरान विजयनगर थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में स्थित एक होटल से 16 बंधक युवतियों को छुड़ाया गया था, जिनमें से 10 युवतियां बांग्लादेश की निकली थी, जो कि अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत सीमा को पार कर कर लाई गई थी। वहीं 6 युवतियां अन्य राज्यों की थी। इसके बाद बांग्लादेश की युवतियों को बड़ंगा क्षेत्र के शेल्टर होम में रखा गया था। इस बीच कोरोना की पहली लहर आई और फिर इस साल दूसरी लहर आई। दूसरी लहर के बीच एक के बाद एक सभी युवतियां अलग अलग ग्रुप बनाकर शेल्टर होम से भाग गई। बताया जा रहा है कि युवतियों को जिस्म फिरोशी के लिए पहले कोतवाली, बाद में मुंबई और फिर डिमांड आने पर अन्य शहरों में भेज दिया जाता था। ऐसे ही 10 युवतियां भी इंदौर लाई गई थी। जानकारी के मुताबिक ड्रग माफिया सागर जैन उर्फ सेंडो से युवतियां जुड़ी हुई थी और हालांकि इस मामले में जिम्मेदारों के अलग अलग विरोधाभास बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में युवतियों के बयान होने हैं, लिहाजा अब पुलिस के लिए सभी युवतियों को ढूंढ निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। जी क्या गुमचुदगी दर्ज करवाई है थानों में आपने? कुछ नहीं, गया था वहाँ पे थाने पे तो और कई लड़कियाँ चली गई थी 3, तो उनको हमने पूरी जानकारी वगैरह दी है और करीब करीब शाम को 7:30-8 बजे के लगभग वो निकली थी यहाँ से बिना बताए किसी को। कब की बात है ये? ये है कौन सी तारीख है? कोई 4 मार्च 14 तारीख इस तरह की कोई तारीख है सामने? जी मैं अभी बता दूँगा, मेरे पास है रिकॉर्ड। कितनी लड़की गई हैं अभी तक? अभी तक 3 और 3, 6 3, 9 गई थी। 9 गई है? जी जी। कितने दिनों के अंदर गई हैं तीनों 9 लड़कियाँ? ये 3 महीने के अंदर अंदर अलग अलग। हाँ, 3 और 3.5 महीने के अंदर। अभी कब गई हाल फिलहाल में? अभी गई हैं ये कितने दिन पहले? 2 तारीख को गई शायद। हाँ। क्या बोल के गई? कुछ भाई ने कुछ बोल के कि नहीं, बस यहाँ बैठी है। हाँ। और मेरे पास आई थी, बोले मेरे को अंडे ला देना, तो मैंने कहा आप पैसे ला दो, मैं अंडे ला दूँगा। हाँ। और उसके बाद में फिर वो मसाला लेने गए थे यहाँ से, मसाला ख़त्म हो जाता है तो किचन में लेने जाना पड़ता है। हाँ। वो मसाला लेके और वो लोग यहाँ से कुछ बर्तन वर्तन लाए, उधर देख लिया होगा कोई दिखा नहीं, तो इस कारण से गेट से खोल के निकल गई। वो बाकी जो पहले वाली गई थी वो किधर से गई थी? वो तो ऊपर से नहीं, कूद के गए थे इधर से पीछे साइड से। जी। और एक बार जो गई थी वो साड़ी बांध के उतर गई पीछे साइड से नाले की तरफ। पुलिस ने उसको तलाशी, गुमशुदगी लिखवा रखी है? हाँ, गुमशुदगी लिखवा रखी है। कहाँ से आई थी लड़कियाँ? ये बांग्लादेशी थी और यहाँ इंदौर से पकड़ाई थी, विजयनगर पुलिस और MIG थाने, दोनों थाने के अंतर्गत थी। एक नाबालिग थी? अभी नाबालिग थी, बालिग थी? नहीं सब, ये सब बालिक ही। सही बालिक जी, 18 से ऊपर ऊपर। का व्यवहार कैसा था, क्या था सब कुछ? हमारे प्रति तो ये बहुत बढ़िया व्यवहार था, कोई किसी से ये नहीं है, मन मुटाव वगैरह किसी नहीं, आराम से रहते थे, खाना पीना सब मैडम अपनी तरफ से सब ज़्यादा ही करवाते थे। यहाँ कोई पुलिस वाले भी लगे रहते थे उनके लिए? हाँ, पुलिस वाले हैं। कितने पुलिस वाले लगे थे? उनकी 2-2 की ड्यूटी लगी हुई रहती 20 ओवर। आज भी हैं? आज भी है ना, एक पुलिस वाले बैठे होंगे। अच्छा, फिर भी वो सेंध लगा के भाग गए? जी हाँ। गुमशुदगी है थानों में, बाड़गंगा थानों में? जी। सभी की दर्ज? सभी की। जी, 9 की करवा रखी, मैं खुद ही करवा के लाया। 9 लड़कियाँ? जी। कोई अधिकारी यहाँ दौरा करने आए हों? आते हैं ना, SP साहब वगैरह आते हैं और थाने से भी आते, प्रियंका मैडम वगैरह आते रहते हैं। नहीं, लड़के भागने में तो दौरा करने आए थे अधिकारी? आए थे ना, उसी समय आ गए थे, करीब सूचना मिलने के 15 या 20 मिनट बाद आए। कुछ मिला हो CCTV फुटेज या इस तरह की कुछ चीज़ मिली हो यहाँ पर? हाँ, CCTV का वो अंदर देखा था रूम में, पर हाँ अभी अभी तो नहीं, वो राज भैया आते हैं उनको पता रहता है इसका। CCTV में जाते हुए? हाँ। क्या नाम है मैडम का? ये तो महिला उत्कर्ष संस्था। कौन है आप? डॉक्टर नेहा शर्मा। आप यहाँ कौन है? काउंसलर के पद पर। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। गेट के इधर गेट है और एक हमारे पास पूछने आई थी कि अंडे के लिए। पुलिस वाले हैं यहाँ पर? हाँ है ना। कहाँ बैठे हुए? अंदर। दीवार कौन थी वो? अभी अभी जो गई थी वो।
जो कमेटी की मैम है ना उनको बुला लेता हूँ। मैडम चोरा जी मैम छप गई चेयरपर्सन से ही बात करवा देते हैं। डॉल दीदी का नंबर है ना आपके, उनको फोन लगा दें। बांग्लादेश की लड़कियाँ अलग अलग जगह भागी हैं चेकिंग के फ्रॉड में, आश्रम में थी वो, पुलिस ने पकड़ लिया। क्या पूरा आश्रम ये महिला उत्कर्ष संस्थान है वृंदावन कॉलोनी में, और इनके केयरटेकर द्वारा थाने पे सूचना दी गई है, और यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी महिलाएं रखी गई थी, और वो अलग अलग बैचेस में दो दो तीन तीन करके गई हैं। इनकी गुमशुदगी थाना बाणगंगा पे दर्ज है, उनकी तलाश कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट समय तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 5-6 महीने से थी ये महिलाएं हैं। ये करीब 10 लड़कियों की गुमशुदगी थाना बाणगंगा पे दर्ज हुई है। हाँ, जो एड्रेस उन्होंने लिखाया है उसके हिसाब से बांग्लादेश का एड्रेस ही दिया गया है। ये एक एक डेढ़ दो दो महीने के अंतराल में गुमशुदगियाँ दर्ज हुई हैं। अभी इनकी तलाश लगातार जारी है, और तलाश की जा रही है, सभी आसपास थानों को और सभी पुलिस को सूचना दी गई है इसमें, और उनकी तलाश की जा रही है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि ये किस अपराध में थी। ये हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आश्रम पड़ता है, इसलिए इसकी गुमशुदगी हमारे बाणगंगा थाना पे दर्ज हुई है। 10 लड़कियां हैं, सभी बालिग भी हैं? हाँ, बालिग लड़कियां हैं। आपका नाम? उपनिरीक्षक स्वराज दावी, थाना बाणगंगा। इनको रेस्क्यू किया गया था, उन्हें बाणगंगा स्थित एक शेल्टर होम में रखा था, लेकिन उन्हें वो वहाँ से बाहर हो गई हैं। सर, उसको लेकर किस तरह की अभी तक उस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, वो उसमें पीड़ित थी, और उस पूरे मामले में किसी तरह के वैधानिक निरोध में नहीं थी या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थी। उन्हें वहाँ पे एक संरक्षित गृह में रखा गया था जहाँ से उनके जाने की सूचना है। पुलिस उनको ढूंढेगी, पुलिस की ज़रूरत उनके बयान में पड़ेगी। आने वाले दिनों में जो ट्रायल चलेगा उसमें पुलिस को उस समय तक बयान में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस उन्हें उनके दिए गए जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर उन्हें कोशिश करेगी कि उन्हें निश्चित तिथि के पहले वापस ला करके सही समय पर उनके बयान कराया जा सके। तो कहीं ना कहीं सर आश्रम में रुके थे वहाँ उसकी लापरवाही है सर, क्योंकि इतने बड़े मामले में उनसे बयान होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं उस आश्रम वो मामला चूँकि 5-4 महीने पुराने हैं, उसमें अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण बयान निर्धारित समय पर ही हो सकते हैं। वो चूंकि गिरफ्तारी में नहीं थे, पुलिस अभिरक्षा में नहीं थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें एक संरक्षण में रखा गया था, और पुलिस की कोशिश होगी कि निर्धारित अवधि में जब ट्रायल शुरू हो उसके पूर्व उनको ला करके और उनके बयान समय पर कराया जा सके, ताकि बेहतर ढंग से आगे ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो सके। दो थाने की पुलिस भी लगी हुई थी उनकी सुरक्षा के अंदर, वो इनके बीच से निकल रही है। वहाँ पे मुख्य तौर पर जो समय पर जो गार्ड लगते हैं जो परंपरागत तौर पर वहीं थे, अलग से उसमें उन्हें पुलिस अभिरक्षा में वो वर्तमान में नहीं थी। वहाँ पे जब उसमें बचाया गया था उसमें 35 से ज्यादा महिलाओं को बचाया गया था, जिन्हें अलग अलग जगहों पे जो रह रही हैं, और बाद में आने वाले दिनों में उनके बयान भी होंगे। शेल्टर होम से कितनी महिलाएं गई हैं? अभी जाने वाले महिलाओं की संख्या लगभग 10 के आसपास है, 10 महिलाएं वहाँ से गई हैं। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।